तो चलो जी ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर टू थ्री की तरफ। क्या कह रहे हैं, देर आर ऑलवेज फोर लेटर्स बिटवीन द पी एंड एस। ठीक है, तो आपको इसमें से ऐसी अरेंजमेंट्स काउंट करनी है, ऐसे अरेंजमेंट्स निकालनी है जिसमें कि ठीक है, अगर किसी पोजीशन पे पी है तो उसके और किसी पोजीशन पे एस है तो उन दोनों के बीच में जो एलिमेंट्स होंगे, जो पोजिशंस होंगे, वो कितनी होनी चाहिए, फोर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इस बात को आप समझिएगा। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि आपको ऐसी अरेंजमेंट्स निकालनी है सॉरी ठीक है, आपको ऐसी अरेंजमेंट्स निकालनी है जिसमें अगर किसी पोजीशन पे पी है ना, और किसी पोजीशन पे अगर एस है तो पी एंड एस के बीच में का जो पोजीशन होनी चाहिए वो फोर पोजीशन होनी चाहिए ना। क्या कह रहा है, देर आर ऑलवेज फोर लेटर्स बिटवीन द पी एंड एस। ठीक है, तो पी एंड एस इस तरीके से हमें अरेंज करने हैं कि हमेशा उनके बीच में कितने लेटर्स आने चाहिए, फोर लेटर्स आने। देखो क्या कह रहा है, बिटवीन, बिटवीन मतलब पी को छोड़ के और एस को छोड़ के जो रिमेनिंग पोजीशंस होगी उनके बीच की, वो कितनी होनी चाहिए, फोर होनी चाहिए। मतलब अज्यूम कर सकते हो आप, अगर इसका फर्स्ट पोजीशन है ना, इसका अगर फर्स्ट पोजीशन है और अगर हमें बीच में फोर पोजीशंस चाहिए तो एस की क्या पोजीशन होगी, सिक्स नंबर की पोजीशन होगी ना। ठीक है, देखो इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमें यहाँ पे कितने 12 लेटर वर्ड फॉर्म करना है ना, कितना लेटर वर्ड हमें फॉर्म करना है यहाँ पे, 12 लेटर वर्ड फॉर्म करना है। तो ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ठीक है दस, ये ग्यारह ठीक है ना, और ये क्या हो गया हमारा बारह। ठीक है, मतलब बारह लेटर्स वर्ड हमें फॉर्म करने हैं। ठीक है, तो इसकी पोजीशंस क्या होगी, ये होगा वन, ये होगा टू, ये थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है ना, एट नाइन टेन इलेवन, और ये क्या होगा ट्वेल्व होगा। ठीक है ना, क्या होगा ट्वेल्व। तो ये क्या कह रहा है कि आपको इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है कि अगर आपने किसी पोजीशन पे पी रखा हुआ है और किसी पोजीशन पे एस रखा हुआ है, या फिर अगर आपने किसी पोजीशन पे पी रखा हुआ है तो एस जो होगा वो कौन सी पोजीशन पे होगा, उससे फिफ्थ पोजीशन पे होगा। पी से कौन सी पोजीशन पे होगा, फिफ्थ पोजीशन पे होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स आने चाहिए, फोर लेटर्स आने चाहिए। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे पी को रखता हूं है ना, मान लो अगर मैंने फर्स्ट पोजीशन को पी पे रखा, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि एस की पोजीशन क्या होगी, क्या होनी चाहिए, सिक्स नंबर की पोजीशन होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें कितने लेटर चाहिए, फोर लेटर चाहिए। तो जब मैं यहाँ पे पी रखूंगा है ना, तो एस की जो पोजीशन है वो क्या होगी, सिक्स नंबर की पोजीशन होगी। और देखो अगर आप पी ठीक है फर्स्ट पोजीशन पे अगर आपने पी रख दिया और सेकंड पोजीशन पे अगर आपने एस रख दिया, तो इसके बीच में कितने लेटर बच रहे, वन टू थ्री फोर है ना। तो इस तरीके की अरेंजमेंट आपको निकालनी है कि पी एंड एस के बीच में कितने लेटर्स होने चाहिए, फोर लेटर्स होने चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, एग्जैक्टली फोर लेटर्स है ना, एग्जैक्टली फोर लेटर्स ठीक है, एग्जैक्टली फोर लेटर्स कैन बी प्लेस्ड बिटवीन ठीक है, बिटवीन पी एंड एस, एग्जैक्टली फोर लेटर्स है ना, एग्जैक्टली फोर लेटर्स कैन बी प्लेस बिटवीन द पी एंड एस ठीक है, बिटवीन द पी एंड एस इफ पी एंड एस ठीक है ना, इफ पी एंड एस सॉरी व्हेन, ऐसे लिखिएगा, व्हेन पी एंड एस हैज फॉलोइंग पोजीशंस, हैज फॉलोइंग ठीक है, हैज फॉलोइंग पोजीशंस ठीक है, हैज फॉलोइंग पोजीशंस। ये हमें क्यों निकालना है, क्योंकि ये निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि P एंड S को हम कितने तरीकों से प्लेस कर सकते हैं, कितने वेज से हम लोग प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो ठीक है ना, ये अगर S की पोजीशन है ठीक है, इसको हम लोग दे रहे हैं ठीक है, तो ये मान लो अगर P की पोजीशन है ठीक है ना, ये अगर P की पोजीशन है और ये अगर S है ठीक है, तो मान लो अगर मैंने फर्स्ट पोजीशन पे P रख दिया तो S की जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, मान लो अगर मैंने फर्स्ट पोजीशन में पी रख दिया है ना, फर्स्ट पोजीशन में अगर मैं पी की ठीक है ना, फर्स्ट पोजीशन में पी को दे रहा हूं, तो एस की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सिक्स, क्योंकि एग्जैक्टली दोनों के बीच में कितने लेटर्स आने चाहिए, फोर लेटर्स आने, ये बात मत भूलिएगा। ठीक है, जब भी आप पी को रखोगे तो आपको एस को ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा ताकि दोनों के बीच में क्या बन जाए, फोर लेटर्स का गैप बन जाए ठीक है ना, क्या बन जाए, फोर लेटर्स का गैप। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे पी को रखूंगा तो एस की जो पोजीशन होगी क्या होगी, सिक्स होगी। अगर मैं सेकंड पोजीशन में पी को रखूंगा है ना, अगर मैं सेकंड पोजीशन में पी को रखूंगा तो एस कहां पे चला जाएगा, सेवन पोजीशन में चला जाएगा ठीक है ना, कहां पे चला जाएगा, सेवन पोजीशन में चला जाएगा, तो टू यहां पे क्या हो जाएगा, सेवन। अगर मैं पी को थर्ड पोजीशन में रखूंगा
तो एस जो है वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, एट वाली पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 38 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पी को जो है फोर्थ पोजीशन पे रखूंगा तो एस जो है वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, नाइन्थ वाली पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, नाइन्थ वाली पोजीशन में। और जब मैं पी को फिफ्थ वाली पोजीशन में रखूंगा तो टेन जो है फिर से प्लेस हो जाएगा, एस जो है वो फिर से शिफ्ट हो जाएगा, किस वाली पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा, टेंथ वाली पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर मान लो मैंने यहां पे फोर, ठीक है ना, पी को अगर मैंने यहां पे सिक्स वाली पोजीशन पे रखा, है ना, पी को अगर मैंने यहां पे सिक्स वाली पोजीशन पे रखा तो एस जो है वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, इलेवन वाली पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर मैंने पी को सेवंथ वाली पोजीशन दे दी तो एस जो है वो कौन सी पोजीशन, ठीक है ना, एक्वायर करेगा, एस जो है वो कौन सी पोजीशन यहां पे एक्वायर करेगा, ट्वेल्थ वाली पोजीशन एक्वायर करेगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि P एंड S को हम कितने बार कितने तरीके से प्लेस कर सकते हैं, कितने रास्ते इसके, सात रास्ते, देखो एक दो तीन चार पांच छह सात, है ना, कितने रास्ते यहां पे, सात रास्ते, ठीक है। तो P एंड S को प्लेस करने के, सो दैट दे विल हैव द एग्जैक्टली फोर लेटर्स बिटवीन देम, इस तरीके से प्लेस करने के कितने रास्ते, सेवन रास्ते, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसके कितने रास्ते हो गए, सेवन रास्ते हो गए। अब ठीक है, अब देखो जहां पे मैंने P को रखा है वहां पे मैं S को भी तो रख सकता हूं ना, ठीक है, इस बात को समझिएगा कि P एंड S को प्लेस करने के कितने रास्ते, सेवन रास्ते, सो दैट दे हैव द फोर लेटर्स बिटवीन देम, है ना, एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है कि जहां पे मैंने P को रखा है वहां पे मैं S को भी तो रख सकता हूं ना, जहां पे मैंने P को रखा है वहां पे मैं S को भी रख सकता हूं, मतलब S एंड P जो है पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। तो जब P जो है फर्स्ट पोजीशन पे होगा, S जो है वो सिक्स वाली पोजीशन पे होगा, और जब S जो है वो फर्स्ट वाली पोजीशन पे होगा तो P जो है वो सिक्स वाली पोजीशन पे होगा। मतलब यहां पे दो इवेंट्स हो रहे हैं, है ना, यहां पे दो इवेंट्स हो रहे हैं। एक तो क्या हो रहा है, P एंड S को हम प्लेस कर रहे हैं कितने वेज में, सेवन वेज में, कितने वेज में, सेवन वेज में। और दूसरा क्या हो रहा है, यहां पे P एंड S जो है वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहा है, P एंड S जो है वो अपनी जगह जो है वो बदल रहा है। तो वो कितने तरीके से बदल रहा है, दो तरीके से, है ना, जब मैं P को फर्स्ट में रखूंगा तो S जो है सिक्स में होगा, ठीक है, और जब मैं S को फर्स्ट में रखूंगा तो P जो है वो सिक्स में होगा। मतलब यहां पे दो इवेंट हो रहे हैं, एक जो है वो सेवन टाइम्स हो रहा है, दूसरा जो है कितने टाइम्स हो रहा है, टू टाइम्स हो रहा है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है, लिखेगा कैसे, ठीक है, सो देयरफॉर ठीक है, पी एंड एस can be placed in seven ways such that they have exactly four letters between them, ठीक है, four letters between them, ठीक है, again, but, ठीक है, but, P and S can interchange, ठीक है ना, can interchange in two ways, है ना, can interchange their positions in two ways, मतलब P की जगह पे मैं S रख सकता हूं और S की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, P रख सकता हूं, ठीक है, so P and S can interchange in, ठीक है, can interchange their positions in two ways, ठीक है, so therefore, ठीक है ना, therefore P and S can be arranged such that they have exactly four letters between them is equals to, ठीक है, is equals to, क्या होना चाहिए यहां पे, ऐसे लिखना,
बाय प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग, बाय प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देखो दो फॉलोइंग इवेंट्स है, एक इवेंट जो सेवन टाइम हो रहा है, दूसरा इवेंट जो यहाँ पे कितने टाइम्स हो रहा है, टू टाइम्स हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा आपको, सेवन इंटू टू इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 14। मतलब ये जो इवेंट है पी एंड एस को प्लेस करने वाला, ये कितने टाइम हो रहा है, 14 टाइम्स हो रहा है, ठीक है ना, कितने टाइम्स हो रहा है, 14 बार हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो, दो प्लेसेस तो हमने फिल कर ली, तो दो प्लेसेस फिल करने के कितने रास्ते हैं यहाँ पे, 14 रास्ते। कितने रास्ते हैं यहाँ पे, 14 रास्ते हैं, कि जितने तरीके से पी एंड एस को हम फिल कर सकते हैं, सो दैट दे हैव द एग्जैक्टली फोर लेटर्स बिटवीन देम, है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है, कि यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे पी एंड एस को प्लेस करने के, सो दैट दे हैव द एग्जैक्टली फोर लेटर बिटवीन देम्स, कितने रास्ते, 14 रास्ते, मतलब 14 रास्ते। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल अरेंजमेंट निकालनी है ना, तो दो लेटर्स तो हमने यहाँ पे यूज कर लिए, अब रिमेनिंग जो लेटर्स है वो कितने हैं, रिमेनिंग लेटर्स हमारे पास कितने बचेंगे पी एंड एस यूज करने के बाद, टोटल लेटर्स इस वर्ड में कितने थे, 12 थे, तो 12 में से हमने दो को प्लेस कर लिया, दो को प्लेस करने के बाद कितने बचे, 10 बचे, रिमेनिंग पोजीशंस कितनी है, 10 पोजीशंस है, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर रिमेनिंग, ठीक है ना, रिमेनिंग 10 प्लेसेस, ठीक है, रिमेनिंग 10 प्लेसेस कैन बी, ठीक है, कैन बी अरेंज इन, ठीक है। देखो यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास कितने, 10 है। अब देखो 10 में से 10 लेटर क्या डिस्टिंक्ट है, पी एंड एस को अगर छोड़ दिया जाए, पी और एस को अगर छोड़ दिया जाए, तो यहां पे क्या बचेगा, टी बचेगा, है ना, ये लेटर्स बचेंगे, इन लेटर्स में टी क्या है, यहाँ पे सेम है, मतलब सेम ऑब्जेक्ट है, तो क्या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, नहीं है। तो टोटल लेटर्स आपके पास कितने हो गए, 10, जिसमें से सेम ऑब्जेक्ट जो है क्या है, टी है, मतलब इसका जो परमुटेशन निकलेगा वो कैसे होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक ना, परमुटेशन अरेंजमेंट ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय परमुटेशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट कितना है यहाँ पे, टी है, टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल, ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, 2 में कितने, ठीक है ना, कितने ऑब्जेक्ट्स है, 2 ऑब्जेक्ट्स है। इसको हम कितने तरीके से, कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, है ना, देखो 2 ऑब्जेक्ट्स है, मतलब n की वैल्यू 2 हो गई, एट अ टाइम हमें कितने लेने हैं, 2, मतलब r की भी वैल्यू 2 हो गई, सो 2p2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, है ना, क्या बोल सकते हैं हम लोग, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें भी हमें 2 इवेंट्स मिल गए, है ना, पहला इवेंट जो था वो क्या था, p एंड s को प्लेस करने वाला, बात समझिएगा, पहला जो इवेंट था वो क्या था, पी एंड एस को हमने प्लेस कर दिया, और पी एंड एस को प्लेस करने के बाद, पी एंड एस को उनकी जगह पे रखने के बाद, जो रिमेनिंग 10 पोजीशंस बची उनको हम कितने वेज में फिल कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल वेज में, है ना, कितने वेज में, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल वेज में। तो जो टोटल अरेंजमेंट होगी बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो टोटल अरेंजमेंट हमारी होगी वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड वर्ड्स इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, 10 फैक्टोरियल, 14 मल्टीप्लाइड बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। कैसे, क्योंकि यहां पे देखो, है ना, दोनों एक ही केसेस है ना, दोनों हम किसके लिए अरेंज कर रहे हैं, मैं ऐसे वर्ड अरेंज करने में, ऐसे लेटर्स को, ठीक है ना, इस परमुटेशन वर्ड के लेटर्स को मैं इस तरीके से अरेंज करना है कि जब मैं पी को किसी एक पोजीशन में रखूंगा और एस को किसी एक पोजीशन में रखूंगा, तो उन दोनों के बीच का जो पोजीशन है वो कितनी होनी चाहिए, 4, मतलब इन दोनों के गैप, इन दोनों के बीच की जो गैप होनी चाहिए वो कितने लेटर्स की होनी चाहिए, 4 लेटर्स की होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पी एंड एस को प्लेस कर दिया। अब मैंने P एंड S को प्लेस करने के कितने रास्ते ये मैंने ढूंढ लिए, मैंने ये देखा कि अगर मैं P को फर्स्ट पोजीशन पे रखूंगा तो S की जो पोजीशन है वो 6 होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का जो गैप है वो 4 लेटर्स का होना चाहिए। फिर मैंने ये देखा कि P को अगर मैं शिफ्ट करते चलूं तो S भी वहां पे शिफ्ट होते जाएगा, और दूसरी बात मैंने ये भी नोटिस की कि जब मैं P और S को शिफ्ट कर रहा हूं तो मैं इन दोनों की जगह पे, ठीक है ना, जब मैं P को शिफ्ट कर रहा हूं, जो पोजीशन मैं P को दे रहा हूं वही सेम पोजीशन मैं S को भी दे सकता हूं ना, वही सेम पोजीशन में क्या कर सकता हूं, एस को भी दे सकता हूं। तो पी एंड एस को प्लेस करने के कितने रास्ते थे, 7 रास्ते थे, और पी एंड एस जो है वो इंटरचेंज हो रहा था, ठीक है ना, तो इंटरचेंज कितने तरीके से हो रहा था, 2 तरीके से हो रहा था, तो 7 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, 14 मिल गया, मतलब पी एंड एस को प्लेस करने के मुझे 14 रास्ते मिल गए।
कितने रास्ते मिल गए, 14 मिल गए। अब मेरे पास ठीक है ना, 14 में से दो लेटर्स मैंने यूज, सॉरी 12 में से मैंने दो लेटर्स यूज कर लिए और दो लेटर्स को प्लेस करने के कितने रास्ते मुझे मिले, 14 मिले। अब मेरे पास कितने रिमेनिंग प्लेसेस बची, 10 रिमेनिंग प्लेसेस बची, 10 रिमेनिंग प्लेसेस बची और मेरे पास लेटर्स कितने बचे, है ना, पी एंड एस हमने यूज कर लिया। तो हम पी एंड एस यूज करने के बाद कितने बचेंगे यहाँ पे, 12, 10 बचेंगे ना, कितने बचेंगे 10। तो मेरे पास 10 लेटर्स बच गए। अब इन 10 लेटर्स को मुझे 10 रिमेनिंग प्लेसेस में रखना है, तो मैं इसको कितने वे से रख सकता हूँ, है ना। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे 10 लेटर्स जो मेरे पास अवेलेबल है, उन 10 लेटर्स में टी जो है वो सेम ऑब्जेक्ट है, क्या है, सेम ऑब्जेक्ट है। तो वो फॉर्मूला हम लगाएंगे एन फैक्टोरियल बाय पी वन फैक्टोरियल बाय पी टू फैक्टोरियल वाला, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 10, मतलब 10 फैक्टर हो गया, ठीक है। और सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, 2, मतलब सेम ऑब्जेक्ट की जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी, 2 फैक्टोरियल, है ना। तो हमें क्या निकालना है, टोटल अरेंजमेंट, मतलब ऐसी अरेंजमेंट जिसमें P एंड S को रखने के बाद उन दोनों के बीच की जो गैप है वो कितनी है, 4 लेटर्स की है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों इवेंट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें P एंड S को रखने के बाद, P एंड S को प्लेस करने के बाद उन दोनों के बीच की जो गैप है वो कितने लेटर्स की होगी, 4 लेटर्स की होगी, है ना। कितने लेटर्स की होगी, 4 लेटर्स की होगी। तो बहुत सिंपल है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना मिलेगा, 14 इंटू ये 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू कितना होना चाहिए, 7 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को मैं हटा दूंगा यहाँ से, उड़ा दूंगा, तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पे 14 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 140 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो 5 4 कितना होता है 20, 20 इंटू 3 कितना होता है 60, एंड 60 इंटू 6 कितना होता है 360 डिवाइडेड बाय, 360 डिवाइडेड बाय कितना होता है 1, ठीक है। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को देखो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। 140 को मैं एज इट इज रख रहा हूँ, 140 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी 8 को मैं यहाँ पे एज इट इज रख रहा हूँ, मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 7 6 कितना होता है 42, 42 में से मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, रिमाइंडर मेरे पास कितना है 4 है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 7 3 कितना होता है, 7 3 यहाँ पे कितना होता है 21, 21 में 4 ऐड कर दूंगा कितना हो जाएगा 25, मतलब 2520। देन 2520 को हम लोग क्या करेंगे, 2520 को हम लोग क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 14 इंटू, ठीक है, 9 इंटू, ठीक है। 2520 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 8 2 कितना होता है 16, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। 8 5 कितना होता है 40, है ना, 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा 41, रिमाइंडर इज 4, ठीक है। एंड देन 8 2 कितना होता है 16, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना, कितना होना चाहिए 20। देन 140 इंटू 9 करेंगे हम, ठीक है, 140 इंटू 9 इंटू 2610, ठीक है ना, 20160 को मल्टीप्लाई कर लो, 9 इंटू 0 कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना, 9 इंटू 0 इज 0, 96 कितना होता है बेटा 54, 54 में से हम क्या लिखेंगे 4, रिमाइंडर इज 5, 91 कितना हो जाएगा 9, 9 में 5 ऐड कर देंगे कितना मिलेगा 14, 14 में से 4 लिखेंगे, रिमाइंडर हमारे पास रहेगा 1, ठीक है। देन 9 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे हम कितना रखेंगे 1, एंड देन 92 कितना हो जाएगा 18, कितना मिलेगा 18, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों इसमें 0 है तो पहले हम 00 लिख देंगे, देन 14 से 18144 को मल्टीप्लाई करो, 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा 56, 56 में से हम लोग 6 रखेंगे, 5 हमारे पास रखेंगे, ठीक है ना। 14 इंटू कितना होता है 14, 2 कितना होता है 28, 28 2 कितना होता है 56, मतलब 14 4 कितना हो जाएगा 56, 56 में से हम 6 रखेंगे, 6 में से हमारे पास 5 रखेंगे, एंड अगेन 14 4 कितना हो जाएगा 56, ठीक है। 56 में अगर हम लोग 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 61, 61 में से हम यहाँ पे 1 रखेंगे, रिमाइंडर हमारे पास कितना है 6, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 14 1 कितना हो जाएगा 14, ठीक है ना, 14 में हम लोग 6 ऐड कर देंगे, देखो 14 4 कितना हो गया 56, 56 में से हमने 6 रखा, रिमाइंडर हमारे पास कितना था 5, ठीक है। 14 4 कितना हो गया फिर से 56, 56 में हमने क्या किया, 56 में से हमने क्या लिखा 56, और हमारे पास कितना था 5 था, तो 56 प्लस 5 कितना हो गया 61, 61 में से हमने 1 रखा, देन यहाँ पे देखो हमारे पास कितना बचा 6, ठीक है। देन 14 1 कितना हो जाएगा 14, 14 में 6 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 20, है ना, कितना बचा 0, और यहाँ पे कितना बचेगा 10, ठीक है ना। देन 18 14 8 कितना होना चाहिए 112, है ना, 14 8 कितना हो जाएगा 112, 112 में हम लोग 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 114, मतलब यहाँ पे 4 रहेगा, रिमेनिंग कितना बचा 1,
ठीक है, देन 14 वन जा कितना होता है, ठीक है ना, 14 वन जा कितना हो जाए, देखो 14 एट जा कितना हो जाए, आ गया 112, 112 में हम लोग 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 114, मतलब 114 में से 4 लिख दिया कितना बचेगा 11, और 14 वन जा कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 11 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, तो कितना आपको मिल रहा है यहाँ पे 2540160 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स, है ना, आर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इन विच द व्हेन द पी एंड एस आर प्लेस सच दैट द, ठीक है ना, सच दैट द लेटर्स बिटवीन, ठीक है ना, सच दैट दे हैव द 4 लेटर्स बिटवीन देम, है ना। इस तरीके से आप ऐसे इतने नंबर, कितने नंबर्स आप अरेंज कर सकते हो जिसमें पी एंड एस के बीच में 4 लेटर्स है, कितने नंबर्स अरेंज कर सकते हो 2540160, ठीक है ना, लिखिएगा